मुजफ्फरपुर में गर्लफ्रेंड से मिलने छठ घाट पहुंचे एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मामला कांटी थाना क्षेत्र के महारथा गांव का है। युवक अपने दोस्त के साथ गर्लफ्रेंड से मिलने उसके गांव पहुंचा था। छठ घाट पर युवक को देख लड़की के परिजनों ने छेड़खानी का आरोप लगाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घाट पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने उसे ईंट पत्थर से कूच दिया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि पिटाई से युवक का दोस्त भी गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। मृतक की पहचान ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन रोड के हजम टोली निवासी 19 वर्षीय निहाल उर्फ अयान के रूप में हुई है। रविवार की शाम हुई घटना की सूचना पर पहुंची कांटी पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद सब घर पहुंचा, जिसे देख परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। सबको मेहंदी हसन चौक पर ले जाकर सड़क जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक आक्रोशित लोगों ने चौक पर आगजनी कर हंगामा किया। इस दौरान कई बाइक सवार की पिटाई भी की। हंगामा की सूचना पर नगर DSP राघव दयाल, ब्रह्मपुरा थाना काजी मोहम्मदपुर थाना, नगर थाना और मिठनपुरा थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों की मांग थी कि हत्यारों की जल्दी से जल्द गिरफ्तारी हो। इस दौरान नगर DSP ने हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। नगर DSP राघव दयाल ने बताया कि मामले की जांच के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी जल्दी से जल्द कर ली जाएगी। मृतक के परिजनों ने बताया कि 4 साल से अयान और युवती में प्रेम प्रसंग था। दोनों 2 साल पहले घर से भाग गए थे। इसको लेकर केस भी दर्ज हुआ था और प्रेमिका के अपहरण के आरोप में वह जेल गया था। रविवार को छठ की संध्या पर अर्घ चढ़ाने के दौरान ब्रह्मपुरा से अयान अपनी प्रेमिका से मिलने महारथा गांव स्थित घाट पर पहुंचा था। इस दौरान उसे लड़की के परिजन ने देख लिया। उन्होंने छेड़खानी के आरोप में युवक को खदेड़ना शुरू कर दिया। छठ घाट पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर उतरकर बवाल कर रहे हैं। हम लोग ब्रह्मपुरा थाना से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आके हम लोग का मामला को सॉल्व करिए और फौरन गिरफ्तार करिए। अगर आपको घर नहीं देखा हुआ तो हम लोग चलते चलिए, यहीं पे उसका घर है। हमको इंसाफ चाहिए। संबूसा लड़की के बाप का नाम है संबूसा, जो मारा उसका नाम है संबूसा। हमको संबूसा का गिरफ्तारी चाहिए। था 4 साल पहले केस किए हुआ था, सब मामला खत्म हो गया था। हम अपना बेटा को हल बेल करा दिए थे, वो आ गया, लड़की चली गई अपने घर। लड़का कल बुलवा के मेरे बेटा को, हम संबूता से हाथ पैर जोड़ रहे हैं फोन पर, हमने बेटा को कुछो नहीं कीजिएगा, लेकिन संबूता मार दिया कर, मार दो। यही नंबर से फोन किए हैं, बेटा को बांध के रखो रे भैया, लेकिन मार दिया हमने बेटा को संबूसा। सबका परिवार तीनों भाई मार कहा, कहा लड़का को कहा बुलाया गया था? वही मारता बुलवा लिया लिया फोन करके बुलवा। कौन बुलाया था? लड़की का बाप था। संबूसा 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 साला
क्या लड़का का क्या नाम था? धीरेन्द्र है, धीरेन्द्र कुमार है। साला का नाम धीरेन्द्र कुमार। लड़का का क्या नाम था? लड़का का निहाल। लड़की का नाम मनोकामना खुशी। मनोकामना खुशी सारी दौलत लूटनी। पहले से कोई बात कोई था क्या? पहले मोहब्बत था, पहले से मोहब्बत था। चार साल पहले का काम, चार साल पहले से चल रहा था, खत्म हो गया। लेकिन कल बुला के कितने बजे फोन करके बुलाया गया? लगभग 3 बजे भोर से। एक बार समझिए कि वो 4:30 हमको इंसाफ चाहिए, शंभू साहब पकड़ाना चाहिए, होना चाहिए उसको, शंभू साहब पकड़ाना चाहिए, शंभू साहब का पैर तकले पकड़े। उसकी मौत का सूचना कैसे आपको मिला फिर? बाप रे बाप, शंभू साहब को फोन किए, शंभू साहब मार के हमको कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं, हम बेटा को मार दिए, मार दो इस पर आए, हम कल रिकॉर्ड निकलवा देंगे। हम फोन किए रे बाप रे, को मार दी शंभू साहब, हम नहीं जानते सर, हम नहीं जानते, हम तो चाहते हैं मेरा बेटा जिया है। लेकिन शंभू साहब से हम बात किए हैं, केस वाला कागज में नंबर था, उसको निकाल के बात किए हैं, लेकिन शंभू साहब जान से मारा है, शंभू साहब मारा। मेरा नाम समीमा खातून। कौन लगेंगे माँ? घर कहाँ रहने वाले? हम यहाँ नोनी मस्जिद ब्रह्मपुरा। घर देखे ब्रह्मपुरा है। ठीक है, हाँ क्या है मामला? मामला ये है कि वो लड़का जो है निहाल नाम है, वो उससे प्यार करता था लड़की से, लड़की को लेके एक बार भाग गया था, लड़की अपनी मर्जी से भागी थी। वो केस चल ही रहा है मुजफ्फरपुर कोर्ट में, अभी हम लोग लड़ रहे हैं, वो डेट पर जा रहे आ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग चाहे कि छूटा छूटी कर दो, पर लड़की की तरफ से बार बार दबाव आ रहा है कि तुम आओ मेरे पास, आओ मेरे पास छठ में मिलने के लिए। तो मिलने के लिए वो गया अपने दोस्त के संग, तो वहाँ पर उसका पिताजी का नाम है शंभू साह, वो जबरदस्ती मतलब पकड़ के मार उड़ दिया, मतलब इतना मारा कि संग संग स्पॉट डेड हो गया। हम जब शंभू साहब को कलकत्ता से फ़ोन किए, अगर रिकॉर्ड चाहिए तो 5 बजे शाम का रिकॉर्डिंग हो जाएगा, हम 5 बजे शाम में कलकत्ता से हम लोग उसको फ़ोन किए कि शंभू जी हाथ पैर तोड़ दीजिए, जो करना कर दिए, सिर्फ जान नहीं मारी आप। तो शंभू क्या बोला कि नहीं हम पब्लिक इशू बना करके हम उसको मरवा देंगे, मार देंगे हम। शंभू साहब ये बात बोला लड़की का बाप कि हम उसको पब्लिक इशू करके, पब्लिक मैटर करके हम उसको मार देंगे। और वो उसी टाइम में 4:30 से 5 बजे के बीच में मार दिया उसको। केस वही है कि लड़की से प्यार करता था, लड़की भी राजी थी, अपनी मर्जी से कलकत्ता भागी थी। भागा था? इससे पहले भागी थी करीब करीब 2016 या 17 में। कौन थाना में केस हुआ था उसमें? हम लोग यहाँ ब्रह्मपुरा थाना में केस किए थे। वो लोग कौन थाना? वो लोग भी ब्रह्मपुरा थाना में केस किया था, सदर थाना में वो लोग केस किया था। अच्छा, और लड़की का घर भी यहीं पे है। कहाँ? बीबीगंज में वो लोग का घर है, अपना बिल्डिंग है, फ्लैट है अपना, वहाँ पे गांव है कांटी, गांव है कांटी नहीं, वहाँ पे ननिहाल है, मार था। छठ करने लोग वहीं गया, छठ करने वो लोग ससुराल में हर साल जाता है। तो इससे पहले भी लड़की कई बार उसको बुलाई है, वहाँ पे मिली है फोन करके बुलाया छठ में कई बार। कितने बजे मालूम चला कल? हम लोग को ये बात पता चला करीब 4:30 बजे। तो हम लोग डायरेक्ट शंभू साहब का नंबर अपना है वहाँ से, केस वाला जो मेरा कागज है वहाँ से फटाफट हम निकाल के शंभू साहब को हम लोग डायरेक्ट नंबर से फोन किए कि शंभू जी हाथ पैर तोड़ दिए, अदर कुछ भी कर दिए, जान नहीं मारी। कितने लोग शामिल है हत्याकांड में? इसमें शंभू जी है, शंभू जी का परिवार है, साला है, शंभू जी का भाई भतीजा है, शंभू जी और कोई दूसरा नहीं। घटना जो हुई है क्या घाट पर हुई है? घाट पर नहीं हुई है, घाट से वो लोग पकड़ के ले गया खेत में, खेत में हाँ, थोड़ा सा दूर जंगल साइड में ले गया, वहाँ पे मारा। एक लड़का जीवित है, वो उसका हाथ पैर टूटा हुआ है, वो ब्रह्मपुरे का लड़का अभी भी जीवित है। आप उसका भी बयान लेना चाहे तो हम दिलवा सकते हैं, वो नजर के सामने देखा है। क्या चाहते हैं? गिरफ्तारी चाहते हैं? हम चाहते हैं कि संग संग गिरफ्तार हो, नहीं तो हम लोग ब्रह्मपुरा थाना को घेरेंगे अभी बॉडी ले आगे, इसीलिए हम लोग बॉडी नहीं उठा रहे। लड़का क्या करता था? लड़का कुछ नहीं करता था, 20-25 साल का लड़का क्या करेगा, पढ़ाई काम पढ़ाई उड़ाई कर रहा था, पढ़ाई मैट्रिक पढ़ के छोड़ दिया, उसके बाद जो काम था हम लोग का उसी में हाथ बटाता था। कितना बाल बच्चा में? आपका? हम लोग का दो बेटा दो बेटी है। यार बड़ा बेटा था ये? बड़ा बेटा था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद बारिक। क्या करते हैं? हम कलकत्ता में जॉब करते हैं। किस चीज़ का? लेदर गुड्स में। लेदर गुड्स? यहाँ घर कहाँ पे? ये लड़का जो है ना, ये लड़का क्या था कि मेरी बीवी मेरे यहाँ का ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का ये हसनपुर चौक है, वहाँ का अयान नाम का एक लड़का का हत्या हो गया कांटी थाना क्षेत्र में बसतपुर गाँव में। डेड बॉडी आया था पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ पोस्टमार्टम हुई है, उन लोगों ने FIR दर्ज करवा रहे हैं लोग, और इन लोगों का डिमांड है कि जिस पर जो जो कातिल है उन लोगों की गिरफ्तारी हो, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए जल्दी से, ताकि कांड का निष्पादन भी तेज गति से हो सके। सड़क को जाम कर दिया गया आश्वासन? हाँ, इन लोग अभी गुस्सा में है, समझाया बुझाया जा रहा है, और स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी आए हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अभी काफ़ी इन लोग
जब डेड बॉडी आया तो आप रसी था ग्रामीण लोग समझाया बुझा जा रहा है शांत हो जाएंगे रोड डेड बॉडी रोड 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 से पीट पीट कर डेड बॉडी को सब देखा है आपने देखिए तो मेरा बयान आ जा रहा है बयान अभी हो रहा है बयान आने के बाद ही आगे की बात मैं बोल सकता हूँ ठीक है सर थैंक यू मेरे यहाँ का ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का हसनपुर चौक है वहाँ का अयान नाम का एक लड़का का हत्या हो गया कांटे थाना क्षेत्र में बसतपुर गांव में रेड बॉडी आया था पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पोस्टमार्टम नहीं है उन लोगों ने FIR दर्ज करवा रहे हैं लोग और इन लोगों का डिमांड है कि जो जो कातिल है उन लोगों की गिरफ्तारी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए जल्दी से ताकि कांड का निष्पादन भी तेज गति से हो सके सड़क को जाम कर दिया गया आश्वासन इन लोग अभी गुस्सा में है समझाया बुझाया जा रहा है और स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी आए हुए हैं लोगों को समझा रहे हैं अभी काफ़ी उन लोग जब डेड बॉडी आया तो आक्रोशित हैं ग्रामीण लोग समझाया बुझा जा रहा है शांत हो जाएंगे लोग डेड बॉडी रोड से पीट पीट कर हत्या हुई है रोड से पीट पीट कर डेड बॉडी को सर देखा है आपने देखिए तो मेरा बयान आ जा रहा है बयान अभी हो रहा है बयान आने के बाद ही आगे की बात मैं बोल सकता हूँ ठीक है सर थैंक यू आंदोलन कर रहे हैं हम लोग कोई अहिंसा नहीं करना चाहते हैं हमारे बच्चा का इंसान मिलना चाहिए आज का गिरफ्तारी होना चाहिए हम लोग तुरंत तेजस्वी जी से भी करते हैं नीतीश कुमार जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हुआ है हमारे साथ इंसाफ करिए और शंभू साह को गिरफ्तार करिए उसके फैमिली मेंबर को गिरफ्तार करिए लड़की को थाने तक घसीट के लाइए उसका बयान लीजिए क्यों बोलवा के ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाक कॉन्ट्रैक्टर बनाता है कुछ भी इससे बच ना पाए कोना कोना ये सजाए वाक कॉन्ट्रैक्टर टाइम भी देखो कम लगाए घर की शान बढ़ती जाए वाक कॉन्ट्रैक्टर बस फिनिश नहीं मशीन फिनिश कहिए जनाब क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब कॉन्ट्रैक्टर नहीं वाक कॉन्ट्रैक्टर एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा बाईस कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदे सबसे शुद्ध और सबसे किफायती दाम पे हम हैं हरिप्रिया ज्वेलर्स पुरानी बाजार नियर SBI ATM मुजफ्फरपुर एक मौका हमें भी दें।